नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समाजशास्त्र का भाग वन, जिसमें दोस्तों आपके लिए 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं और देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, परीक्षणात्मक शोध खालिस्तान प्रकार के होते हैं। दोस्तों यह कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। परीक्षणात्मक शोध 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जब किसी घटना की खोज किसी वैज्ञानिक बनाए रखकर की जाए तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों? से विशुद्ध शोध कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विशुद्ध शोध कहेंगे उसे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रश्नावली द्वारा किस प्रकार के तथ्य संकलित किए जाते हैं? इसका ऑप्शन है प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, तृतीयक, ऑप्शन डी इसमें से सभी, मतलब इसमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक। प्रश्नावली द्वारा प्राथमिक प्रकार के तथ्य संकलित किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्नावली सूचना संकलन की विधि है। प्रश्नावली सूचना संकलन की विधि है, तो ऑप्शन है भावनात्मक, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन डी खर्चीला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि है अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है, ठीक है। कौन सी? अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों शिक्षित के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्नावली को भरता है। प्रश्नावली को भरता है, ऑप्शन अनुसंधानकर्ता, ऑप्शन बी उत्तरदाता, ऑप्शन सी मित्र, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरदाता इसको भरता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बंद प्रश्नावली में उत्तर के विकल्प होते हैं। बंद प्रश्नावली में उत्तर के विकल्प होते हैं, ऑप्शन ए चित्रमय, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी सीमित, या ऑप्शन डी सभी प्रकार के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, असीमित होते हैं, सॉरी दोस्तों यह सीमित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही है, क्या है यह होते हैं क्या? सीमित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती हैं, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर है वैज्ञानिक के नाम दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए है बोगाल्ड्स, ऑप्शन बी है फाल्टन, ऑप्शन सी मोजर, या ऑप्शन डी पामार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर दोस्तों यह कहा है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। दोस्तों यह जो कथन, जो परिभाषा है या फिर कथन है, यह वाक्य कहा है गुडे एंड हार्ट द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुसूची दन विभिन्न पदों की वितरित वर्गीकृत नियोजन तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, एक इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर H.M.H. गोपाल द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुसूची उन प्रश्नों एक सूची से अधिक कुछ नहीं है। अनुसूची उन प्रश्न
एक सूची से अधिक कुछ नहीं है जिसका उत्तर देना उपकल्पना या उपकल्पनाओं की जांच के लिए आवश्यक प्रतीक होता है। यह कहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैक कॉर्विंग ने कहा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? एक निर्देशन जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तम प्रतिनिधि है। यह कथन किसने कहा है? तो यह दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुड एंड हार्ट द्वारा कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्देशन एक समग्र का वह अंश है, निर्देशन एक समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य करते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? दोस्तों यह कथन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिम्पसन्स तथा काल्फा का कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक सांख्यिकीय निर्देशन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व अंश है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह सिनपाओ एंग का कथन है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक सांख्यिकीय निर्देशन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निर्देशन लिया गया है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है, यह कथन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पी बी यंग का कथन है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है, अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यंत व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच भी एक प्राथमिक यंत्र है। दोस्तों यह कथन किसका है? इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह जाओदा एवं कुक का है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सहभागी अवलोकन में एक अवलोकनकर्ता एक समूह से बड़ी सीमा तक सूचनाएं संकलित कर सकता है यदि वह व्यवहार करता है। कौन सा व्यवहार करता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों वह वस्तुनिष्ठ व्यवहार करता है। तो ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सी ए मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है, सी ए मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है तो क्या अर्थ है वो? ऑप्शन नंबर ए आंखों का प्रयोग करना, इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अत्यंत आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौट आना पड़ता है। तो यह कथन किसका है? यह किसका है, किस विद्वान द्वारा कहा गया है? इसका यही सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह कुडे एंड एवं हार्ट द्वारा कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि है हार्वर्ड एक्सपेंशन ने किया है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।